एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अभी हमने एग्जांपल देखे, दे आर ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कोई करेगा तो गलत है और उसकी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, उसके लिए पुलिस एंड कोर्ट्स कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द पीपल हु आर एंटरिंग इनटू द रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड लास्ट थिंग, थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दिस वर्ल्ड इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आगे जारी भी रह सकता है या कैंसिल भी हो सकता है, 50-50 है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, अगेन आई रिपीट, इट कुड बी कंटिन्यूड एज अ कॉन्ट्रैक्ट और इट कुड बी ब्रोकन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। बट ये कब होगा, जिस आदमी का फ्री कंसेंट नहीं लिया है, जिस आदमी का कंसेंट जबरदस्ती लिया है, ओके, जो हमने देखा था कोर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक देखा था ना, इस हर केस में जिस आदमी को तकलीफ हुआ है, जिस आदमी को नुकसान हुआ है, वो आदमी अगर चाहे तो एक वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है, उसको चाहे तो, अगर उसको नहीं चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। सो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी आइदर कंटिन्यूड और इट कुड बी कैंसल्ड, इट इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो हम उसके एग्जाम्पल देखते हैं। कोर्शन, जैसा कि वो कहा ना मैंने कि वो गैंगस्टर ने पी को जबरदस्ती किया था कि तू तेरा घर के को बेच, अभी यहाँ पे पी का यहाँ पे जो कंसेंट लिया है, जबरदस्ती लिया है, इसका मतलब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि पी का कंसेंट फ्री नहीं था। सो व्हेन कंसेंट ऑफ मिस्टर फ्री इज नॉट फ्रीली ऑब्टेंड, व्हाट पी कैन डू, पी हैज टू ऑप्शंस, दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, माने वो चाहे तो वो घर नहीं बेचेगा, कुछ नहीं होगा, और पुलिस आके ए को अरेस्ट कर लेगी और उसको जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता कि के को घर बेचना चाहिए। लेकिन समझो पी को ऐसा अच्छा पैसा मिल रहा है और पी को ऐसा लगता है ठीक है गैंगस्टर ने जबरदस्ती की अलग बात है, लेकिन मुझे घर बेचना मन में था, दिल में था, कहीं ना कहीं दिल में था, एंड देन मुझे पैसा भी अच्छा मिल रहा है, देन मिस्टर पी कैन कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती के बावजूद, अगर पी को चाहिए तो पी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है या पी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, उसको जो सही लगे वो कर सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और मैं दोबारा कहता हूँ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है कि किसी का वहां पे एक्सेप्टेंस जब लिया जाता है तो उसकी फ्री कंसेंट नहीं होती है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। जिसका पहला एग्जाम्पल अभी हम देख रहे हैं कोर्शन, जहाँ पे फिजिकल फोर्स होता है। दूसरा अंडू इन्फ्लुएंस, अंडू इन्फ्लुएंस में अगर कोई किसी को कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी होने के लिए राजी करता है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने देखा था कि बॉस ने वो एम्प्लॉय को फोर्स किया था कि तू मेरे बेटी से शादी करने तो मैं तुझे जॉब से निकाल दूंगा, अभी ये गलत है किसी को किसी ने फोर्स करना इस तरह से, लेकिन समझो वो जो एम्प्लॉय है वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, और वो थोड़ा सोचता भी है कि ठीक है लड़की जो है मेंटल है, लेकिन वो लड़की अच्छी है, ओके। अभी बहुत बार ऐसे होता है कि कोई ना कोई जो लाइफ पार्टनर होता है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम डिसीज होता है, तो इसका मतलब ऐसे नहीं होता है कि वो आदमी सामने वाला लड़का या लड़की बुरी है, और कोई उसके बावजूद भी शादी करके कंटिन्यू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एम्प्लॉई को जबरदस्ती बॉस ने किया है अपने बेटी से शादी करने के लिए, और बेटी जो है वो मेंटल है, तो ये एम्प्लॉय के पास दो ऑप्शन है, बिकॉज उसका कंसेंट फ्री नहीं है तो ये वॉइडेबल है। तो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, दो बातें, एक तो मैरिज कैंसिल कर सकता है, लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं भैया वो लड़की जो है वो ठीक है, वो अच्छी लड़की है, या छोड़ दो वो लड़की जैसी भी हो, मुझे बॉस का पूरा प्रॉपर्टी मिलने वाला है, वो प्रॉपर्टी के लिए मुझे शादी कंटिन्यू करनी है, तो शादी कंटिन्यू भी कर सकता है। सो ये मैरिज कैंसिल करना या नहीं करना वो एम्प्लॉय के ऊपर है, क्योंकि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। आगे फ्रॉड हो गया। फ्रॉड क्या हो गया, वो ज्वेलर ने वो जब वो गोल्ड ऑर्नामेंट बेचा था तो उसने वो केडियम बता के 22 कैरेट का गोल्ड का ऑर्नामेंट बेचा था। अभी ये जो मिस्टर जे है जिसने 22 कैरेट का गोल्ड ऑर्नामेंट खरीदा था, उसके बाद दो ऑप्शन है, उसको वो ज्वेलर ने फंसाया है और उसको जबरदस्ती उसको वहां पे जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन दे के वो ज्वेलरी बेचा है, तो जे के पास दो ऑप्शन क्या है, एक अगर उसको लगे तो वो 22 कैरेट का गोल्ड ऑर्नामेंट अपने पास रखेगा, उसने पैसा दिया है, चुपचाप बैठेगा, लेकिन उसको अगर लगता है कि नहीं ये गलत किया है तो वापस जाएगा, 22 कैरेट का गोल्ड ऑर्नामेंट ज्वेलर को वापस देगा और उससे पैसा वापस लेगा, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर सकता है, दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और एक इसमें जैसा कि मैंने कहा कि मैरिड मैन या वुमन है जो भी है और जिसका बाहर किसी से चक्कर है उसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, तो जिसके सामने ये गुनाह हुआ है माने हस्बैंड ने किया है तो वाइफ को वही अधिकार मिलता है, या वाइफ ने अगर ऐसा गलत किया है तो हस्बैंड को अधिकार मिलता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज बिकम्स वॉइडेबल
अवॉइडेबल का मतलब ये है कि इसके बावजूद भी कोई हस्बैंड वाइफ इतने भी अच्छे होते हैं कि अपने हस्बैंड को वाइफ को माफ कर देते हैं और शादी कंटिन्यू करते हैं, दिस इज पॉसिबल? या कोई कहता है नहीं, जैसा थप्पड़ पिक्चर में था ना, उसने मुझे थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ नहीं मार सकता। तो ऐसा अगर कोई कहता है कि नहीं, अगर मेरे लाइफ पार्टनर ने ऐसा कोई गलत किया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है, तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा या माफ नहीं करूंगी, और वो कोर्ट में मैटर जाता है और जिसके खिलाफ ऐसा हुआ है वो डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकता है और उसको जज डिवोर्स देता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज कैंसिल हो सकता है। नाउ लास्ट टू थिंग्स, मिस रिप्रेजेंटेशन। मैंने कहा कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे के, कुछ अलग बता के, जैसे ए ने कहा कि मैं बी हूँ और बी कह के वो मिस पी से शादी करता है, तो हियर द कंसेंट ऑफ मिस पी इज नॉट ऑब्टेंड फ्रीली, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस पी। तो पी के पास दो ऑप्शन है, अगेन आइदर टू कंटिन्यू विद द मैरिज विद मिस्टर ए, ओके, क्योंकि ए भी अच्छा हो सकता है, वो बी का हम शक्ल है, माने ऐसा नहीं कि गुंडा है, वो अच्छा हो सकता है। तो इसके बावजूद कि पी को बाद में पता चले कि नहीं एक्चुअली ये ए ही है, ये बी नहीं है, और उसको लगता है कि ठीक है चलो ये तो ए लेकिन अच्छा है और मुझे इससे लाइफ बितानी है, तो मैरिज कुड बी कंटिन्यूड। और अगर पी को लगता है तो पी कैन गो टू द कोर्ट एंड टेक अ डिवोर्स, क्योंकि उसका कंसेंट जो है वो फ्रीली यहाँ पे नहीं गया है, बिकॉज इट वॉज अंडर मिस रिप्रेजेंटेशन। एंड द लास्ट एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट में गलती हुई है, माने कॉन्ट्रैक्ट जब दोनों पार्टी से साइन हुआ तो वहां पे वर्ड में अमाउंट अलग थी, फिगर में अमाउंट अलग थी, या डेट 20 डालने के जगह पे 2021 डाल दिया। अभी यहाँ पे दो प्रॉब्लम क्या है कि दोनों भी पार्टी, माने जिसने भी गलती किया है वो पार्टी, ओके, वो सामने वाले पार्टी के बाद में हक जाता है, क्या जाता है कि जिसको भी तकलीफ हुआ है उसके वजह से वो एक तो एग्रीमेंट को कंटिन्यू करेगा, और अगर मिस्टेक आपको कंटिन्यू नहीं करनी है तो एग्रीमेंट को खारिज कर दो, जस्ट कैंसिल द एग्रीमेंट। सो इन केसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द एक्सेप्टेंस ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्रीली ऑब्टेंड, देयर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रह सकता है या कैंसिल हो सकता है, लेकिन ऐसा कौन करेगा कि जिसको तकलीफ हुआ है, जो एग्रीड पार्टी है, वही ऐसा कर सकता है जिसका कंसेंट फ्रीली नहीं किया गया। फ्रेंड्स।